हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा हमारे जेट इंजन्स के बारे में, द टर्बो जेट के बारे में और हमारे ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स के बारे में। जो हमारी बैटरी होती है वो हमारी टरबाइन को स्टार्ट करने के काम में आती है, और एक टर्म होता है रन एयर टर्बाइन। तो ये जो होती है तब हम यूज़ इसको करते हैं जब हमारा जेट इंजन टोटली स्टॉप हो जाता है, तो उस टाइम पे हम इस रैट का यूज़ करते हैं ताकि इससे हम एक तरीके का देखा जाए तो इमरजेंसी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये जो कॉकपिट होता है फ्लाइट के अंदर, तो वो जो फ्लाइट के अंदर जो कॉकपिट होता है वो बंद ना हो, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी ना जाए, तो इसलिए उसका यूज़ किया जाता है रैट का। तो वो एक नीचे फ्लाइट के नीचे की तरफ निकलता है, तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द जेट इंजन्स। तो ये जो हमारे जेट इंजन्स होते हैं ये केसिंग के अंदर रहते हैं। आपने इंजन देखा होगा, बाहर जो पंखड़ी लगी रहती है उनको प्रोपेलर भी बोला जाता है, इंजन को प्रोपेलर भी बोला जाता है। तो उनका काम होता है कि वो एयर का इंटेक करते हैं, अंदर मतलब हवा लेते हैं और पीछे से बाहर करते हैं। तो जब तक कि ये अंदर हवा नहीं आएंगी तब तक के प्लेन्स बाहर नहीं उड़ सकते हैं। तो ये जो होते हैं सबसे पहले इनके ऊपर होता है केसिंग, केसिंग के अंदर फ़ैन लगा हुआ होता है। तो फ़ैन के अंदर क्या होता है, एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है पीछे टरबाइन तक के। तो ये बहुत बड़ा फ़ैन होता है, वो बहुत बड़ा फ़ैन हवा को सक करता है और पीछे की तरफ भेजता है। तो पीछे से जब झटका लगता है तो उससे थ्रस्ट पैदा होता है। तो जब थ्रस्ट पैदा होता है तो हमारा जेट इंजन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो काम करता है हमारा बैलून प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे किसके अंदर केसिंग है, केसिंग के अंदर हमारा शाफ्ट लगा हुआ है, एयर का इंटेक हो रहा है, बहुत सारी एयर सकिंग करता है ये, 10% के समथिंग सक करता है, 90% बाहर करता है ये प्लेन। तो इसके अंदर क्या होता है, तो जैसे ही आपने ये तो समझ गए, जेट इंजन का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल था। अब इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं, फ्यूल जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कैरोसिन ऑयल। ये कैरोसिन ऑयल अलग टाइप का कैरोसिन ऑयल होता है मतलब। और अब मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ हमारा प्लेन स्टॉपिंग सिस्टम, हमारा जहाज़ को रोका कैसे जाता है, हम स्टॉप कैसे करते हैं। अब अगर हम जैसे प्लेन को स्टॉप करना है तो हम विंग्स को उल्टा तो हम घुमा नहीं सकते, क्योंकि प्लेन अगर विंग्स को उल्टा घुमाएंगे हमारे प्लेन की तो ऐसे तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी प्लेन को चलने में, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर जो प्लेन स्टॉपिंग, तो इसमें क्या किया इंजीनियर्स ने, थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो प्लेन को है ना इसके अंदर एक स्टॉपर लगा दिया। तो वो स्टॉपर से क्या होता है, जितनी भी एयर होती है वो रुक जाती है, उसका मतलब डायरेक्शन चेंज करके बाहर के बाहर ही आउट एयर कर देते हैं, आगे ही जहाँ से एयर इनटेक होती है उसी के पास से ही उसको आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि बाईपास एग्जॉस्ट के में भी नहीं जा पाती है और उसके पहले ही मतलब एयर बाहर के बाहर हो जाती है। तो उससे ये होता है, उससे प्लेन स्टॉप हो जाता है क्योंकि अंदर विंग्स के अंदर एयर ही नहीं जाएगी, तो उससे थ्रस्ट ही पैदा नहीं होता। तो ये होता है रिवर्स इंजन की प्रोसेस में। और अब मैं आपको बताऊंगा हमारे टरबाइन जेट के बारे में। तो जो टरबाइन जेट क्यों बोला गया, इसको टर्बो जेट क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पीछे जो है वो टरबाइन लगा दी गई है, और वो टरबाइन जो है वो आगे जो हमारा इनटेक एयर है जहाँ से हमारा प्रोपेलर है वहाँ जो विंग्स लगे हुए हैं तो उस विंग्स उसको अटैच कर दिया जाता है हमारी टर्बाइन को। तो वो टरबाइन जब रोटेट करती, टरबाइन भी ऐसे रोटेट करेगी इसको, जब हमारी एयर इनटेक होगी तो ही टरबाइन का रोटेशन होता है। फिर इसमें क्या, एक कंप्रेसर और लगाया गया है। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन को सक करना, ऑक्सीजन को सक करती है तो उससे अंदर ऑक्सीजन लेती है कंप्रेशन मशीन जो हमारा विंग लगा हुआ है बाहर। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर और लगा दिए जाते हैं हमारे स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर। तो जैसे ही एयर अंदर आती है तो उसके अंदर स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर लगे हो तो स्प्रे होता है, तो उससे कंबशन होता है, ब्लास्ट होता है। अब आपने सुना होगा जैसे ही हम अगर हाइट पर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर ऑक्सीजन को सक करता है, जो बाहर से विंग से जो हवाएँ आती है ना उसको सक कर लेता है कंप्रेसर और ऑक्सीजन बनाकर ऑक्सीजन देता है। तो उससे हमारे कंबशन चैम्बर में ऑक्सीजन जाती है, तो उससे हमारा फॉसिल जो हमारा फ्यूल है केरोसिन ऑयल है वो बर्न हो जाता है। तो इस वजह से हमारा कंबशन चैम्बर के थ्रू ये मतलब बर्न होती है गैसेस, तो हॉट गैसेस बन करके बाईपास एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाती है और उसके कारण थ्रस्ट पैदा होता है, तो हमारा प्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ।